लोगों ने ये कोड जो है अपने हाथ से लिख लिया होगा और आप सब लोगों को के पास ये कोड चल भी गया होगा। अच्छा, ये कोड मैं गिटहब में पुश भी कर रहा हूँ, ठीक है, गिटहब में मैंने ये कोड पुश कर दिया, तो आप जब घर जाएंगे तो ये कोड आपके पास मौजूद होगा गिटहब के अंदर। अच्छा, ये कोड एज इट इज़ जब आप इसको रन करेंगे ना तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हो रहा है तो आपके पास भी होगा, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, अब आपको करना क्या है, ठीक है। अच्छा, जो लोग कोड लिख रहे हैं बस वो रुक जाएं यहीं पर, ठीक है, जो जिनका रहता है ना वो रुक जाएं, अब वो घर जाके कीजिए, बल्कि घर क्या है, अभी आपको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम और भी देता हूँ, छोटा सा एक असाइनमेंट आपसे करवाता हूँ यहाँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड, इसी में थोड़ी सी चीज़ ऐड करिए। अच्छा, असाइनमेंट क्या मैं देने लगा हूँ वो भी बता देता हूँ, जैसे ये प्लस हुआ है ना, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है, तो अब आपने क्या करना है, प्लस का एक बनाया ना, एक माइनस का बना दें, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का, अलग अलग पेजेस में या एक ही पेजेस में मैटर नहीं करता, तो चारों बना दें आप, हो जाएगा, बहुत ईजी है, यही कोड रेप्लीकेट होगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। तो ये थोड़ी देर में अभी आपको मैं टाइम देता हूँ, ये असाइनमेंट आप यहीं पर बना के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वेल, तो अभी पहले हम डिस्कशन ये कर लेते हैं कि भाई ये इनपुट आउटपुट लेना मैंने आपको जो इस पॉइंट पे सिखाया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, गौर से समझना इस चीज़ को, जो लोग कोड लिख रहे हैं बस रुक जाएं, अब यहाँ देखें मेरी तरफ, गौर से आप इस चीज़ को अगर सोचें ना, तो दुनिया का हर सॉफ्टवेयर या दुनिया की हर मशीन अल्टीमेटली यही तीन काम कर रही है, क्या ले रही है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है, इसको IPO पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी देखो गूगल पे लिखूंगा ना आ जाएगा, IPO करके पता नहीं कुछ बोलते हैं इसको, नहीं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, नहीं IPO मेथोलॉजी लिखा है ना, नहीं इसका एक अच्छा सा नाम होता है यार, IPO मेथोलॉजी नहीं होता, IPO मॉडल होता है, हाँ IPO मॉडल है इसका नाम, कहाँ पढ़ा तुमने, उधर लिखा हुआ है, अच्छा ये IPO मॉडल लिखा हुआ है, सही है, तो दिस इज कॉल्ड IPO मॉडल। तो दुनिया का हर सॉफ्टवेयर, हर मशीन अल्टीमेटली किस पे चल रही होती है, IPO मॉडल पे ही काम कर रही है, सही है, इसका एक नाम है, अच्छा मुझे पता नहीं था नाम है, मैंने ऐसे एक दिन गूगल किया, मुझे पता, अच्छा किसी ने नाम भी रखा हुआ है इस चीज़ का, ठीक है, लेकिन वैसे ही कॉमन सेंस की बात है ना यार, कि एक कैलकुलेटर आपने उठाया, जो मैट्रिक में कैलकुलेटर यूज़ करते थे, उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक मशीन है ना, सॉफ्टवेयर है या तो वो क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, दो तीन नंबर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं उसमें, वो परफॉर्म करता है और उसका जो भी आउटपुट है वो आपको दिखा देता है, स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिखाया। इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लो, कोई बताओ सॉफ्टवेयर का नाम जो यूज़ करते हो तुम लोग, हाँ फेसबुक है जैसे, अब देखो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक का इनपुट क्या है, जब मैं कोई फेसबुक पे लाइव सेशन करता हूँ या कोई मैं लिखता हूँ पोस्ट या कोई मैं फोटो लगाता हूँ, तो दैट इज़ इनपुट, मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको। अच्छा, जब मैं लाइव सेशन करता हूँ तो फिर वो इनपुट वीडियो ले लेता है वो, और वीडियो को ले जाके क्या करता है, प्रोसेस कर देता है। अच्छा, इसकी प्रोसेसिंग असल में उसको डेटाबेस में सेव करना है, डेटाबेस में सेव कर देता है और फिर मुझे और बाकी लोगों को सबको आउटपुट दिखा देता है। तो इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट यही हो रहा है। कोई दुनिया का ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें इनपुट ना लिया जाता हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, वरना फ़ायदा ही नहीं होगा ना, फिर तो सॉफ्टवेयर करेगा क्या, जब इनपुट ही नहीं लेगा तो करेगा क्या। वेदर ऐप है जैसे, मैं वेदर ऐप अगर खोलता हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है, ये मैंने वेदर ऐप खोल लिया, इसने मुझे वेदर दिखा दिया, 27 डिग्री इस वक्त है कराची में, कौन मुझे बताएगा क्या ये इनपुट, क्योंकि मैंने तो क्लेम किया ही है कि इनपुट लेता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है दुनिया में जो इनपुट ना लेता हो, इसने तो मुझे बगैर कुछ इनपुट लिए 27 डिग्री सामने दिखा दिया, जो मेरी लोकेशन है जहाँ मैं बैठा हुआ इस वक्त, वो इसने इनपुट खुद से ले लिया, मुझसे नहीं मांगा, लेकिन इनपुट स्टिल इसका है, इसका इनपुट स्टिल है, इसने जहाँ मैं बैठा हुआ वो लोकेशन इसको पता है, इसको मैंने एक्सेस दिया हुआ है, इसको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ, वहाँ से इनपुट लिया उसने, उस कंट्री का उस सिटी का वेदर ला के मुझे सामने दिखा दिया। उसके अलावा इसका इनपुट क्या था,
इसको मैंने ओपन भी तो किया ना, वो भी काइंड ऑफ इनपुट ही है, मैं ओपन नहीं करता तो बगैर मेरी इजाज़त के दिखा देता क्या? मेरे क्लिक किए बगैर तो नहीं ओपन हो जाती ना ऐप, तो वो भी काइंड ऑफ इनपुट ही है इसका, ठीक है। तो मैंने ऐप को ओपन किया तो इसका इनपुट बाई डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, ये जगह मैं जहाँ बैठा हुआ वो बाई डिफ़ॉल्ट खुद पिक कर लिया इसने। प्रोसेसिंग इसकी क्या हुई कि डेटा बेस से उठा के वो वेदर लेकर आना, दैट इज़ द प्रोसेसिंग, और उसको ला के फिर इसने आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवा दिया, मुझे दिख गया। तो दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर, कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ना होता हो। मशीन सबसे सिंपल मशीन दुनिया की क्या चीज़ है? सबसे सिंपल मशीन, एक टॉपिक भी होता है बाय द वे शायद बुक में, सिंपल मशीन्स। क्या है सिंपल मशीन? है सिंगर, हाँ सीजर। सीजर एक सिंपल मशीन है। सीजर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल मशीन। सीजर में क्या होता है, एक तरफ से आप जहाँ पकड़ने की जगह होती है ना, वहाँ से आप इनपुट दे रहे होते हैं, एक पावर, एक एनर्जी उसको इनपुट दे रहे होते हैं, अपने हाथ से दबा रहे होते हैं उसको, ठीक है। और दूसरी तरफ जहाँ पे धार बना हुआ है वहाँ पे मुझे उसका आउटपुट मिल रहा होता है, यानी कि कपड़ा कट रहा होता है, तो इनपुट आउटपुट इसमें भी हो रहा होता है। सबसे सिंपल मशीन जो दुनिया की है उसमें भी इनपुट आउटपुट हो रहा होता है। और इसमें प्रोसेसिंग कहाँ पर है? इसका असल में प्रोसेसिंग ही आउटपुट है इसका। ऐसा हो सकता है कि प्रोसेसिंग ही आउटपुट हो, मतलब कपड़ा कट गया यही उसका प्रोसेस था, यही उसका आउटपुट भी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे सिंपल मशीन भी इनपुट लेती है और प्रोसेसिंग और आउटपुट उसमें भी है। जैसे एक एसी है, ये भी एक मशीन है, इसका इनपुट कौन बताएगा मुझे? इसका इनपुट है गर्म हवा, उसको प्रोसेस करके ठंडा ठंडा करता है और उस ठंडी हवा को बाहर कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा है। अच्छा, हम क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, तो हम ज़रा वापस सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, हम कहीं और निकले हैं। सॉफ्टवेयर में कोई सॉफ्टवेयर का नाम और बताओ जिसमें हम ये अप्लाई करके देखें। यही होता है ना, जब आपके जहन में एक आइडिया आता है, मैंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि दुनिया के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के बारे में मैं सोचूं, उसके ऊपर इस मॉडल को अप्लाई करके देखूं, अगर सब पे सही बैठ रहा है तो मतलब सही है। फूड पांडा एक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, व्हाट्सएप है, गिटहब है, ग्रामरली है। ग्रामरली का इनपुट क्या है? जो टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख रहा होता हूँ वो उसका इनपुट है। प्रोसेसिंग जो है उसको वो चेक करता है स्पेलिंग में, स्पेलिंग, और आउटपुट लाके वो रेड लाइन दिखा देता है। यूट्यूब है, सही है, इन सब पे फिट बैठ रहा है ना ये। एक्सेल है, जैसे एक्सेल में क्या करते हैं हम, इनपुट लिखते हैं स्प्रेडशीट पे, फार्मूला वार्मूला लगा देते हैं, उस फार्मूले को वो प्रोसेस कर लेता है और हमें उसका रिजल्ट दिखा देता है उसको प्रोसेस करके। इसी तरह फोटोशॉप है, फोटोशॉप का इनपुट क्या है? एक फ़ोटो होती है जो मैंने कैमरे से खींची है, वो उसका इनपुट हो सकता है। मैंने उसको फोटोशॉप पे ओपन किया, इनपुट आ गया। अब जो प्रोसेसिंग है उसमें पेंसिल वेंसिल लाइनें शाइनें जो भी लगती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है उसमें, जो कलर है, बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, 10,000 तरह की प्रोसेसिंग उसमें हो सकती है। उसके बाद उसका आउटपुट क्या है? एक JPG फ़ोटो, अगेन जो इनपुट था वही आउटपुट है, लेकिन अब उसकी फॉर्म थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है। तो इनपुट आउटपुट इसमें भी हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनपुट क्या चीज़ है? जो मैं लिख रहा होता हूँ टेक्स्ट, जो मैं लिख रहा होता हूँ टेक्स्ट, वो उसका इनपुट है। और प्रोसेसिंग क्या है कि किसी चीज़ को मैं कैपिटल लेटर कर दिया, बोल्ड बोल्ड कर दिया, बैकग्राउंड कलर आगे पीछे कर दिया, बॉर्डर शॉर्डर लगा दिए, ये प्रोसेसिंग है। उसका नाम ही वर्ड प्रोसेसिंग है, उस सॉफ्टवेयर का नाम ही वर्ड प्रोसेसिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और आउटपुट उसका क्या है? आउटपुट ये है कि मैं PDF में सेव कर दूँ उस डॉक्यूमेंट को, या तो प्रिंट निकाल लूँ उसका, मल्टीपल टाइप के आउटपुट हो सकते हैं उसके। तो एक बना बनाया डॉक्यूमेंट उसका एक आउटपुट है। तो ये सब सॉफ्टवेयर में हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह जैसे आपका कोई बैंक की एप्लीकेशन है, तो बैंक की एप्लीकेशन में इनपुट क्या होता है? आप जब मोबाइल ऐप खोलते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है ना, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र, चेक बैलेंस, स्टेटमेंट चेक कर लें आप पिछले 3 महीने का। तो आप कोई भी बटन जब प्रेस करेंगे तो उस मेन्यू के अंदर चले जाते हैं आप। तो ये आपने जो सिलेक्शन की आपका इनपुट था, आपने कहा बैलेंस चेक करना है, आपने बैलेंस चेक वाले बटन पर क्लिक किया, सामने आपके बैलेंस शो हो गए। तो इसमें जो क्लिक था ये आपका इनपुट था, डेटाबेस में जाके उसने जो चेक किया कि आपका बैलेंस वाकई कितने वहाँ से उठा के लाया डेटा को, दैट वाज प्रोसेस, और जो सामने बैलेंस डिस्प्ले हो गया दैट इज़ एन आउटपुट, ठीक है। आपने कहा फ़ंड ट्रांसफ़र, फ़ंड ट्रांसफ़र पर जब आपने क्लिक किया तो अब आपसे वो ये सिर्फ क्लिक पर नहीं होगा काम, अब उससे और इनपुट मांगेगा, इनपुट 4, 5, 6 भी मांग सकता है आपसे वो,
आपसे वो स्विफ्ट कोड मांग लेगा, आईबीएन नंबर मांग लेगा या अकाउंट नंबर मांग लेगा, कहेगा ब्रांच का नाम बताओ, ब्रांच का कोड बताओ, बैंक कौन सा है ये बताओ, ये सब चीज़ें पूछ के जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपसे वो अमाउंट पूछेगा, मज़ीद इनपुट ले रहा है, कितने सारे इनपुट ले लिए। उसके बाद आप करेंगे सेंड का बटन, जब दबाएंगे तो प्रोसेस वहाँ से शुरू होगा, अभी तक इनपुट ले रहा था ये। प्रोसेस क्या होगा कि डेटाबेस में जाएगा, आपके बैलेंस देखेगा अच्छा उतना है, उसको उठा के जिसके भेजना था आपने उसके अकाउंट में डालेगा बैलेंस को, डेटाबेस के अंदर सब हो रहा है। जब ये सब कुछ कर लेगा तो आपको एक रिस्पॉन्स ला के दे देगा ओके या सेंड, इस तरह का एक चेक बना के दे देगा, दैट इज़ एन आउटपुट। ठीक है, अच्छा उसके लिए आउटपुट क्या है, जिसके पास पहुँचा है बैलेंस, उसके बाद ट्रिंग बजेगा, यू हैव रिसीव्ड इतने इतने पैसे, तो एक आउटपुट मुझे दिखाया ओके, एक उसको भी दिखा दिया। व्हाट्सएप के अंदर अगर यही चीज़ देखें तो व्हाट्सएप में इनपुट क्या है, मैं किसी को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो मैंने एक टेक्स्ट लिखा, सेंड का बटन दबाया, मेरे लिए इनपुट क्या था जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, और मेरे लिए आउटपुट क्या है जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, वही आउटपुट है लेकिन अब डबल टिक लग गया उसमें, ये मेरे लिए आउटपुट है, लेकिन जिसको मैंने भेजा है उसके लिए आउटपुट क्या है, उसके लिए ट्रिंग, यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम सरेंद्र राव, उसके लिए उसको भी एक आउटपुट दिखाया, मुझे भी एक दिखाया। तो हमने ये देखा मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनपुट और आउटपुट होगा ज़रूर। अच्छा, तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, हमने ये देखा कि एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे, एक वेबसाइट जब हम बनाएंगे, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली वेबसाइट की बात हो रही है, वेबसाइट के ऊपर आपने इनपुट यूज़र से लेना कैसे वो हमने देख लिया, ठीक है, उस इनपुट को प्रोसेस कैसे करना है ये वाला पार्ट प्लस किया हमने, दो नंबर लिए तो दोनों को प्लस किया, दैट इज़ अ प्रोसेस इन आवर केस। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना और इनपुट लेना, ये तो दोनों रहेगा फिक्स। ये जो एक लाइन लिखी हुई है ना, लाइन नंबर 36 पे, ये हम पढ़ेंगे पूरा कोर्स इसके ऊपर कि इनपुट के साथ क्या क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए, जो इनपुट हमें मिलेगा, इनपुट लेने का तरीका तो सेम रहेगा हमेशा, आखिर तक सेम रहेगा ये, ठीक है, जब तक हम वॉइस में और चैटबॉट में दाखिल ना हो जाए। चैटबॉट में भी बाय द वे इनपुट तो यही है ना, एक सेंटेंस मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स में ही टाइप होगा वो, तो वहाँ पे भी रहेगा इनपुट सेम, ये इनपुट लेने का तरीका सेम रहेगा, आउटपुट दिखाने का तरीका सेम रहेगा आखिर तक, लेकिन ये बीच में जो एक लाइन लिखी हुई है ना प्रोसेस की, ये इस पूरे कोर्स में हम सीखेंगे कि इस लाइन की जगह क्या क्या और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, इस कोर्स में हम ये सीखेंगे। ये क्लियर है, सब लोगों को समझ में आया हम क्या कर रहे हैं आखिरी लाइन में, ये वाला, ये मैंने आउटपुट दिखाया ना स्क्रीन पे, आउटपुट दिखाने के लिए तरीका अख्तियार होता है। मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे जाओ, क्वेरी करो, तलाश करो डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट है, और उसका इनर एचटीएमएल जो है वो चेंज कर दो, और इनर एचटीएमएल में क्या रखवा दो, जो भी कुछ अभी रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर मौजूद है वो रखवा दो, ठीक है। तो ये मैंने बोला इस लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके शेयर भी कर देता हूँ, तो अगर आपको लेक्चर में कोई चीज़ आपने मिस कर दी हो, जाहिर है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं, तो बाय द वे जो जितना जीनियस बंदा होता है ना, जो वो जब किसी क्लास में बैठता है तो उसको 70% बात समझ में आती है, 100% नहीं समझ पाता कोई भी, 70% बात समझ आती है। तो अच्छा, और जो कोई मेरे जैसा होगा, अगर थोड़ा प्रोसेसर जिसका थोड़ा सा स्लो तो वो शायद 30% समझ ले मे बी। तो मेरे जैसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया है, थोड़ा इस तरह की तरतीब बनाई कि रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ शुरू के लेक्चर्स, जाहिर है फिर आगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिलहाल के लिए अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि आप जब क्लास में बैठे हुए हों तो जाहिर है 45 मिनट में बंदे का दिमाग थक जाता है, लेकिन हमारे पास केस ये है कि हम संडे को फ्री होते हैं आप सब लोग, ठीक है, तो संडे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम लगाना पड़ता है, हमें मजबूरी हमारी, ठीक है। और यही वजह है कि बीच में ब्रेक्स भी आते रहते हैं, नमाज का ब्रेक आता है दो दफ़ा, फिर मैं थोड़ा सा कोडिंग का भी ब्रेक दे देता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरी बात आप सुन नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, तो मुझे पूरा इस चीज़ का अंदाज़ा है, और यही वजह है कि रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ मैं, ताकि आप क्लास में अगर कुछ मिस कर दिया आपने तो आप वो बाद में जाके देख सकें, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये आप, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी दोबारा किया है, वीडियो पर रिकॉर्ड भी होगी, आप घर जाके दोबारा भी देख सकते हैं। जी दोस्त, गेट एलिमेंट बाई आईडी भी सही है, वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, वो भी सही है बिल्कुल, कोई मसला नहीं।
उसमें हैश नहीं यूज़ करते। अच्छा अभी ना, अभी राइट नाउ अब लोग ये वाला ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी आपको ये पढ़ाया है, जो मार्केट में अभी चल रहा है ना वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी करके देखेंगे किसी दिन वो कैसे होता है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मार्केट में लोग आजकल, आप गूगल करेंगे ना यूट्यूब वगैरह पर ट्यूटोरियल जो आप देखेंगे। नहीं, हैश कॉम्प्लिकेटेड नहीं, असल में ये आसान है, क्योंकि मुझे आईडी से गेट करना है तो मैं हैश लगा दूंगा, अगर मुझे क्लास से करना है तो मैं डॉट लगा दूंगा। लेकिन क्लास को भी छोड़ दें आप, अभी क्लास हमने पढ़ी नहीं है ना, क्लास से गेट करना, और टैग नेम से करना है तो फिर कुछ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे सारे क्या उठाने हैं, सारे पैराग्राफ उठाने हैं मुझे, तो मैं ऐसे करके लिखूंगा पी, पी के नाम से, पी का मतलब पैराग्राफ का जो टैग का नाम है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल क्या चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, तो इसलिए मैंने हैश लगाया। तो एक ही कमांड में तीनों चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें तीन अलग अलग कमांड हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और गेट एलिमेंट बाई नेम, चार हैं उसके अंदर, सही है। तो इसलिए ये वाला लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसमें एक ही कमांड में चारों काम हो जाते हैं, सिर्फ हैश हटाओगे तो नाम है, हैश लगा दोगे तो आईडी है, डॉट लगा दोगे क्लास है। अच्छा, तो इतनी जो मैंने बात बताई है इनपुट और आउटपुट वाली बात, और ये प्रोसेसिंग में हम आगे क्या सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में प्रोसेसिंग करना सीखेंगे, ये सब लोगों को समझ आई है, इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उससे मुतालिक कोई सवाल? अच्छा, मेरे टीचिंग स्टाइल से मुतालिक कोई सवाल? मैं जो बात बताता हूँ समझ में आती है? ज़्यादा बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ाता, बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये कोर्स बिगनर्स के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। इस कोर्स में इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि जिसको कुछ भी नहीं बैकग्राउंड है कोडिंग का, उसको साथ लेके चला जाए, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड है कोडिंग का, अच्छा वो भी बोर उसको भी नहीं होने देंगे जिसका कोडिंग का बैकग्राउंड है उसको भी बोर नहीं होने देंगे, उसके लिए भी इंतजाम हैं। कोई ऐसा है जो बोर हो रहा है इस क्लास में, क्योंकि पहले से पढ़ी नहीं है चीज़ें, तुम हो रहे हो, आगे बैठा करो, पीछे बैठे हुए इसलिए बोर हो रहे हो तुम सही है। तो ये वक्तन फवक्तन जो मैं ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवाल करता हूँ, ये असल में इसीलिए है कि जो जीनियस लोग हैं, जो पहले से जिनको आता है, वो बोलें, वो बोलते रहेंगे तो वो बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो सब लोगों को इंगेज करने की कोशिश करता हूँ मैं, और अभी तो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी भी है, अब मुझे पता चल गया, सही है, तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ी भी है। क्योंकि देखो बात, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हर चीज़ पढ़ाऊँ यहाँ पे, मैं आपसे भी बहुत चीज़ें सीख के जाऊँगा भाई, इल्म किसी के बाप का माल थोड़ी है ठीक है, मैं मेरे पास आ गया तो बस मैंने ताला लगा के अंदर, ठीक है, तो मैं जहाँ से मिले ले लूँ, ठीक है, जहाँ से मिलेगा ले लूँगा। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूँगा। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ है जिसको मेरे से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आती है, तो मुझे कोई इस बात में शर्म नहीं है कि मैं उससे सीख के जाऊँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाऊँगा, थोड़ा पढ़ के भी जाऊँगा यहाँ से। तो क्लास हमेशा टू वे होनी चाहिए, वन वे क्लास में फिर फ़ायदा नहीं, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी सामने से भी चीज़ चाहिए होती है, फीडबैक चाहिए होता है। अच्छा, तो अब थोड़े दिनों में जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे ना, तो फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि बताओ इसका जवाब क्या होगा। ये मैंने जूम किया हुआ था ना, ये मैंने जूम किया हुआ था, लिख रहे हो अभी भी कोड तुम? नहीं अभी रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा लिखने का, अभी छोड़ दो उसको, सही है। अच्छा, तो हमने इनपुट आउटपुट तो सीख लिया, अब टाइम कितना है मेरे पास? टाइम है हाफ आवर। चलो, मेरा ख्याल है नया टॉपिक तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे आधे घंटे में, तो काम ये करते हैं, ये कोड मैं गिटहब में ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, सब लोगों का इंटरनेट इनेबल हो गया है, कोई कोई मसला था वो सॉल्व हो गया है, देखो चल गया होगा, हैं? नहीं, मैच वैच लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी अभी ख़त्म होने वाली है क्लास। तो जल्दी से ना github.com खोल के ये कोड सब अपने पास ओपन कर लें, ये वाला कोड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं देख लेता हूँ github.com। रिपॉजिटरीज़ में गया, और रिपॉजिटरीज़ में जाके ये है आपकी रिपॉजिटरी, राइट? अच्छा चलो, जिसका नेट नहीं चल रहा वो अपने पड़ोस वाले से देख लो। यूज़र इनपुट एंड आउटपुट ये दिख गया, सही है। इसके अंदर जाओगे, ये index.html, ये कोड ओपन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब करना क्या है,
अभी के अभी बैठ के आप लोगों को ये असाइनमेंट बनाना है जो मैं बता ही चुका हूँ पहले, सिर्फ प्लस हो रहा है ना इसमें। कोई ऐसी ऐसा तरीका कुछ करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे सोचेंगे उसको, कैसे करेंगे। यही कोड होगा लेकिन माइनस हो उसमें, फिर यही कोड होगा उसमें मल्टीप्लाई हो, और यही कोड होगा डिवाइड हो। तो चारों ऑपरेशन हम कंप्लीट कर लें आज, जैसे समझ में आए। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि जैसे भी आप कर सकते हैं। प्लस करना तो सीख गए हो ना, सिर्फ प्लस को हटा के माइनस करेंगे तो माइनस का बन गया, फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का बन गया। तो क्या करना है आपको, एक कैलकुलेटर मैंने बनवाया है जो सिर्फ एक काम करता है, अब आपने बनाना है एक ऐसा कैलकुलेटर जो चार काम करे। आप कैसे करें, जैसे भी करें, करके दे बस, कुछ ना कुछ करके ये चारों काम मुझे करके दे। तो जल्दी से ये सब करना शुरू करें। हो गया, तो हो गया, हो गया तुम्हारा वायर गुड ज़बरदस्त, इंटरनेट चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है तो होस्टिंग कर दो उसकी जल्दी से, जो बताया ना होस्टिंग, होस्टिंग करके लिंक भेज दो। जिस जिस का हो जाए ना वो होस्टिंग कर दे उसकी। जाहिर है जब मैंने लास्ट में जिक्र किया था कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक नई रिपोजिटरी में बनाएंगे, राइट, पुरानी रिपोजिटरी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नई रिपोजिटरी में बनाएंगे, उसमें जाके जस्ट एक बटन दबाना है, होस्टिंग हो जाती है। तो होस्टिंग करके ना जिस जिस का होता जाए मुझे लिंक भेजता चला जाए, ठीक है। मैं air.sysborg.com पे आपके लिंक का इंतज़ार कर रहा हूँ, और क्लास आईडी है आपकी AI। अच्छा, नेट जिसका भी नहीं चल रहा उसका भी इंतज़ाम करते हैं।